मिंदा रसोई का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मोमोज। ये बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड है। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम मोमोज। स्टीम मोमोज खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमारे घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट वाले मोमोज यही हैं। तो चलिए आज हम इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो मोमोज बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन में पानी गर्म कर लिया है, उसमें हमने डाल दिए हैं कम से कम 5 टमाटर, ठीक है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे लहसुन और मोटी वाली सूखी मिर्च। मोटी वाली सूखी मिर्च से क्या होता है कि इसमें आपका जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अब आप इन्हें पकने दीजिए जब तक टमाटर के जो छिलके हैं वो निकल ना जाएँ। और फिर देखिए हमारे जो टमाटर के छिलके हैं वो निकल चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और तब तक हम मिर्ची लहसुन और अदरक को अच्छे से पीस लेते हैं इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करके, क्योंकि ये बहुत इनको टाइम लगता है पीसने में एज़ कम्पेयर टू टमाटर और मिर्च। तो देखिए हमने इनका पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे अलग रख देंगे। और अब हम बनाएंगे उस आटा। तो आटा बनाने के लिए हमने लिया है मैदा, और मैदे में हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। आप मैदा ही लीजिए, क्योंकि अगर आप आटा लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब आप उसे स्टीम करेंगे तो वो कड़ा हो सकता है, लेकिन मैदा वैसा नहीं होगा, इसलिए आप मैदे का ही यूज़ करें। अगर आपको फ्राई करना है तो आप आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो आटा है मैदा है वो अच्छे से गूंथ गया है, और अब हम इस मैदे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। आप मैदे को ज़्यादा गीला और ज़्यादा कड़ा ना रखें, जैसे आप आटे को गूंथते हैं वैसे ही आप इस मैदे को गूंथें। और जो हमारी चटनी है वो देखिए अब ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसको पानी के साथ पूरे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो पानी का यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी चटनी पतली पसंद है तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं कर सकते। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी चटनी, इसका कलर कितना अच्छा आया है। और इसमें अब हम डालेंगे सौंफ पाउडर। हमने सौंफ को कूट लिया था और उसका पाउडर बना लिया है। और फिर इसके बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। और आपको तो पता ही है कि मोमोज़ की चटनी जितनी तीखी होती है उतनी ही अच्छी लगती है। इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप 1/2 चम्मच डालिए, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से क्या होता है कि ये ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रहती है, और आप चाहे तो इस चटनी को आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको पास्ते में डाल सकते हैं, मोमोज़ के साथ, और आप चाहे तो इसे जितने दिन तक रख सकते हैं रख लें। ये चटनी कभी भी ख़राब नहीं होगी, आपकी 1 महीने तक पूरी गारंटी है। तो देखिए हमारी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो गई है। और हाँ, आप इसमें थोड़ा सा एक नींबू का रस भी डाल दीजिए 2 चम्मच, जिससे इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाए। आप चाहे तो नींबू का रस रहा हो तो आप इमली भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, ठीक है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए हमारी चटनी बनकर तैयार है, और अब हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है एक पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, और आपको जितना चाहिए आप उतना कद्दूकस कर लें, और आप बड़े वाले दांतों से इसको कद्दूकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने 1/2 पत्ता गोभी का यूज़ किया है अपनी स्टफिंग बनाने के लिए। आपको जितना खाना हो उतना बना सकते हैं। और हाँ, आपको जब ये बन जाए, ये देखिए हमारा पूरा कद्दूकस हो चुका है, और अब हम पूरा का पूरा कद्दूकस कर लेंगे इसको। और हाँ, इसको आप अच्छे से धो लें पत्ता गोभी को पहले, फिर कद्दूकस करें। तो देखिए हमारी कद्दूकस इतना बारीक है, आपको ऐसा ही रखना है। आप चाहे तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। और अब हम ले लिए हैं इसकी स्टफिंग में डालने के लिए 1 शिमला मिर्च और 2 प्याज। आप शिमला मिर्च का जो बीज वाला पार्ट है वो निकाल के रख दीजिए, और हम सिर्फ इसका बाहर वाला ये जो हिस्सा है हम इसी को यूज़ करेंगे। और आप इसे बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। और फिर इसके बाद हम ऐसी तरह प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि हम स्टफिंग बना रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें बारीक चॉपर से भी आप इनको काट सकते हैं, या फिर इनका पेस्ट नहीं बनाना है लेकिन आपको ऐसे बारीक काटने हैं इन्हें।
तो आपको जो प्याज है उसे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। देखिए हमने कितनी बारीक प्याज काटी है, और आप चाहे तो इसे चॉपर से भी काट सकते हैं अगर आपके घर में चॉपर हो। और बस आप इसी तरह सारी प्याज काट लीजिए। तो हमारी जो प्याज है वो भी कट के तैयार हो गई है, और इसके बाद हम इन दोनों को डाल देंगे अपनी पत्ता गोभी के साथ। और इसके बाद हम प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च को भी पीस लेंगे। आप इनको चाहे बारीक चॉप भी कर सकते हैं, और आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इनका पेस्ट डालने वाले हैं, और हमने लिया है यहाँ पर कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च से क्या होगा कि आप जब अपनी जो स्टफिंग है उसको जब पकाएंगे तो उसको थिक करने के लिए ये बहुत काम आएगा, इससे बाइंडिंग भी बनी रहेगी आपकी। अब हम डालेंगे कढ़ाई में तेल, उसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए तलने देंगे। इसके बाद जो हमने स्टफिंग का मिक्सचर तैयार किया था हम उसे डाल देंगे, और इसे धीरे धीरे थोड़ी बहुत देर के लिए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता और इसकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो जाती है, क्योंकि बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जो स्टफिंग है वो जब डालते समय अच्छे से पकी रहे, वो ज़्यादा बारीक ना हो। ठीक है, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा काला नमक, और इसमें डालेंगे सौंफ पाउडर, काली मिर्च, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और धीरे अपनी गैस को हम धीमा ही रखेंगे। इससे हम डालेंगे 1 चम्मच केचप। केचप ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें। आप इसमें चटनी भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसे हम डालेंगे फिर ये चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अब अपना कॉर्न स्टार्च, और इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और देखिए जो हमारी स्टफिंग है वो तो तैयार हो गई है, और अब इसमें धनिया डालेंगे फाइनल टच के लिए। तो देखिए जो धनिया और हमने अपनी स्टफिंग बना ली है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि हम इसे ठंडा करने के बाद ही उसमें डालेंगे। और अब हम जो आटा है वो भी बहुत देर के लिए रेस्ट हो चुका है, कम से कम हमने इसको 20-30 मिनट के लिए रेस्ट रखा था। तो देखिए अब कितने अच्छे से ये रेस्ट हो चुका है, और अब हम इसकी लोइयां काट लेंगे। और अब हम इसकी जो लोई हैं अपनी उसके बनाएंगे, इससे हम बहुत बड़ी रोटी बनाने वाले हैं। फिर उसको आप चाहें तो छोटी छोटी रोटी बना सकते हैं, या फिर आप एक बड़ी रोटी करके उसमें ग्लास या किसी कटर की मदद से आप इनको काट लीजिए। और हाँ, जितना आप मैदे को पतला रख सके उतना रखिए, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं। और हाँ, ये मैदा हम थोड़ा कड़क बना रहे हैं, इसलिए ये आपका श्रिंक होगा, इसलिए आप इसको बहुत कड़े तरीके से मारें ताकि ये ज़्यादा सुखड़े ना। तो देखिए हम यहाँ पर कटोरी का यूज़ कर रहे हैं, आप किसी ग्लास या कुकी कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह हम बाकी के सारे इनको काट लेंगे। और अब हम आपको इस तरह से बना के दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने हमारी जो स्टफिंग है वो एकदम ठंडी हो चुकी है, और हम इसमें रखेंगे। और आप इस डिज़ाइन से ही बना सकते हैं, हम इसे चोटी की तरह गोथ रहे हैं, और ये लंबे लंबे बनेंगे आपके मोमोज। आप इन्हें इसमें, आप अगर इस तरह डिज़ाइन बनाना है तो आप इसमें स्टफिंग कम ही डालें, ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो आपकी निकल सकती है स्टफिंग, क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा
डिज़ाइन होती है और इनमें कम स्टफिंग ही डाल सकते हैं आप। आपको कम स्टफिंग वाले मोमोज पसंद है तो आप इस तरह की डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमारे जो मोमोज हैं वो बन चुके हैं, और आप तो देखिए जो हमारे मोमोज हैं वो इस तरह कुछ दिख रहे हैं। और अब हम आपको दूसरे स्टाइल के भी मोमोज बनाना बताते हैं। तो आप इस तरह से ही मोमोज बना सकते हैं और उस तरह से भी, आपको जिस तरह के पसंद आए। और ये दोनों जो ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, ज़्यादा झंझट भी नहीं है इनमें और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको जिस तरह से पसंद आए आप उस तरह से बनाइए। तो इसके लिए आपको इसके जो किनारे हैं उन्हें अच्छे से दबाना है और इन दोनों को कोनों को लेके एक साथ जोड़ देना है। तो आपका जो मोमोज है वो किस तरह से कुछ बन के तैयार होंगे, और इनमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग की ज़रूरत भी पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं। अब आप एक स्टीम वाली प्लेट लेके उसमें आप तेल लगा लीजिए, और इसमें अच्छे से तेल लगाने के बाद अब हम इसमें रख देंगे अपने जो मोमोज हैं, उन्हें हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से पसंद हो। आप इन्हें स्टीम करके भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्टीम करने के बाद जो वह फ्राई करते हैं उसके तरह से भी खा सकते हैं। तो अब हम इन सबको लाइन बाय लाइन लगा देंगे। एक बार में ये बहुत सारे मोमोज आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब हम इसमें ऊपर से इसलिए तेल लगा रहे हैं ताकि इनकी जो स्टीम होने के बाद जो शाइन आती है वो बहुत अच्छी लगती है, और ये बहुत ज़्यादा चमकने लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप स्टीम मोमोज एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो देखिए हमने जो पानी उबलने के लिए रख दिया था उसमें हम एक चम्मच नींबू डाल देंगे, और ये लीजिए हमने इनमें डाल दिए हैं। और अब हम इसे उबलने देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए आप इन्हें उबलने दें। और देखिए हमारे जो मोमोज है कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम धनिया से गार्निश करेंगे, और आप चाहें तो इन्हें फिर से फ्राई करके भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए हमारे जो मोमोज है कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं और कितने ज़्यादा ये शाइन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं, और सर्व करने के लिए हम एक बाउल में इन्हें रख लेंगे, और इस बाउल में हम डालेंगे अपनी चटनी। आप एक बार घर में ये ज़रूर ट्राई करके देखें स्टीम मोमोज, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा मस्त लगते हैं, और हाँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और देखिए आप इसे चटनी के साथ ऐसे मिक्स करके भी खा सकते हैं, और या फिर इसको आप चटनी में डिप करके भी खा सकते हैं, ये दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं। और हम इसे इस तरह गार्निश कर रहे हैं, और देखिए कितने अच्छे मोमोज हमारे बनके तैयार हुए हैं, कितने सॉफ्ट, कितने ज़्यादा टेस्टी, और चटनी भी कितनी रेड है। तो देखिए हमारे ये वाले मोमोज भी एकदम स्टीम होकर तैयार होकर आए हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।